अब हम स्टॉल फीड सिस्टम के लिए उपयुक्त बकरी की नस्लें विस्तार से जानते हैं। यह है तलचेरी बकरी, जो दक्षिण भारत में एक लोकप्रिय नस्ल है। हालांकि ये नस्ल अच्छी मात्रा में दूध उत्पादन और मांस उत्पादन वाली है। ये बकरी सफ़ेद, भूरी और काले रंग की होती है। इनके कानों के किनारे वी या यू आकार के होते हैं। बकरी 40 से 45 किलोग्राम और बकरा 60 से 70 किलोग्राम तक के होते हैं। बकरा 100 किलोग्राम तक बढ़ सकते हैं। इनसे 60% तक मांस निकाला जा सकता है। इसका मांस चिकना होता है और पकाते समय बढ़ जाता है। ये आकर्षक गुलाबी रंग का होता है। ये बकरी रोग प्रतिरोधक क्षमता और अनुकूलन में बेहतरीन होती है। ये कम से कम एक बार में 2 बच्चे देती है। वैसे प्रायः ये 3-4 बच्चे देती है। ये है शिरोही बकरा। इसके शरीर का रंग और आकार बहुत ही आकर्षक होता है। शिरोही बकरी का दूध उत्पादन काफी होता है और इसकी वृद्धि बेहतर है। इसका औसत शरीर का वजन 70 से 80 किलो तक होता है और ये 100 से 120 किलो तक बढ़ सकता है। इसके मांस का स्वाद भी अच्छा होता है, लेकिन शिरोही की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी शुद्ध नस्ल एक बार में केवल एक ही बच्चा देती है, लेकिन इसकी क्रॉस ब्रीड 2 तक बच्चे दे सकती हैं। अच्छा दूध उत्पादन देने वाली बकरी बच्चे को जन्मने के 3-4 महीने बाद ही वापस गर्भधारण करने के काबिल हो पाती है। इस प्रकार 2 साल में 3 बार वो बच्चे दे सकती है। शिरोही बकरी विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में खुद को अनुकूल करने में काफी बेहतर है। ये है उत्तर प्रदेश की जमुनापारी बकरियां। ये एक छोटी गाय के आकार के रूप में बढ़ती है। ये दूध उत्पादन करने वाली नस्ल के रूप में जानी जाती है, जो प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर तक दूध देती है। ये एक बार बच्चा देने के 4 से 5 महीने बाद दोबारा बच्चा देने लायक होती है। जमुनापारी नस्ल के लक्षण हैं रोमन नाक, लंबे कान, पीठ पर बालों के गुच्छे। जब ये जमीन में झुककर खा रही होती है तो इनके कान से इसकी आंखें ढक जाती है, जो ईयर ब्लाइंडनेस कहलाता है। ये अपनी रोमन नाक की वजह से छोटी घास नहीं खा सकती, लेकिन स्टॉल फीडिंग सिस्टम में इसे कोई परेशानी नहीं होती। सामान्यतः ये एक बार में एक ही बच्चा देती है, कभी कभार 2 बच्चे देती है। इस बड़ी बकरी का 100 से 120 किलो तक वजन बढ़ सकता है। सामान्यतः ये 90 से 100 किलो तक की होती है। कभी कभी इसका बड़ा आकार मार्केटिंग में एक समस्या बन जाता है। इसका मांस रेशेदार और सख्त होता है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में इसका मांस पसंद नहीं किया जाता है। शरीर के आकार और इसकी वृद्धि के चलते इसे खाने के लिए खाना भी भरपूर चाहिए होता है। विभिन्न परिस्थितियों में इसका अनुकूलन भी कमजोर होता है। कई क्षेत्रों में जमुनापारी एक फैंसी नस्ल के तौर पर है, जो क्रॉस ब्रीड के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है। यह है ऑस्ट्रेलियन नस्ल बोयर। ये एक बौनी नस्ल है, जो शरीर के रंग और आकार में आकर्षक होती है। बोयर मीट ब्रीड के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो 100 से 120 किलो तक बढ़ती है। इसकी अनुकूलता काफी कमजोर होती है। भारत में इस नस्ल की संख्या कम है और ये क्रॉस ब्रीडिंग के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। शुद्ध नस्ल वाली बॉयर की कीमत अभी 30 से 35 हजार तक होगी। हालांकि पंजाब की बीटल नस्ल की बकरी भी इसी की तरह काफी अच्छी होती है, इसलिए किसान को बॉयर नस्ल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शिरोही और तलचेरी नस्ल की बकरियाँ
साधारण किसान के लिए उपयोगी है। बोयर, जमुनापारी और अन्य महंगी नस्लों की बकरियां क्रॉस ब्रीडिंग के लिए रखना उपयोगी है। तलचेरी शिरोही बकरियां और जमुनापारी बोयर बकरे क्रॉस ब्रीडिंग के लिए अच्छे संयोजन हैं। बकरी और बकरे 8 से 10 महीनों में परिपक्व होते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए इनका 12 महीने बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। बकरी और बकरे की क्रॉसिंग के लिए आयु के साथ शरीर के वजन का मिलान होना चाहिए। अच्छी वंशावली और स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। स्टॉल फीड बकरियों के प्रजनन का कोई मौसम नहीं होता है, लेकिन गर्मी के मौसम को टालना चाहिए। अधिक तापमान से गर्भपात या अविकसित बच्चे के होने का डर होता है। कुछ नस्लों में बच्चे देने के 18 दिन बाद ही वो दोबारा गर्भधारण करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी क्रॉसिंग अगली बार करनी चाहिए। भारत में बकरियों में कृत्रिम गर्भधान ज़्यादा प्रचलित नहीं है, इसलिए 20 से 25 बकरियों के लिए एक अच्छा बकरा रखना उपयुक्त होगा। इसी प्रकार अलग अलग नस्लों के 2 बकरे 30 से 35 बकरियों के झुंड के लिए अच्छे होंगे। बकरी जब हीट में होती है तो वो उस बकरे को ढूंढ लेती है जिसमें उसकी रुचि होती है। बड़े फार्म में हर हफ्ते बकरे एक झुंड से दूसरे झुंड में बदल जाते हैं। लगातार बच्चे देने वाली अच्छी बकरियां 5 से 6 साल तक बच्चे दे सकती हैं, लेकिन हर साल बकरे बदलने होते हैं, नहीं तो इन ब्रीडिंग से वृद्धि रुक सकती है और सेहत पर भी असर हो सकता है। साधारण नस्लें जैसे शिरोही, तलचेरी प्रजनन के उद्देश्य से 250 रुपये प्रति किलो में बेचे जाते हैं। खास नस्लें जैसे जमुनापारी, दमास्कस और बोयर महंगे होते हैं और प्रति जानवर के हिसाब से बिकते हैं।